Subscribe now for more videos. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैं कैसर खरल यहाँ अबू धाबी से दुबई जा रहा हूँ, और दुबई जाने के लिए आज मेरे पास जो सवारी है ये एक बहुत ही शानदार मशीन है ये, और मैं इस गाड़ी के कॉकपैट में इस वक्त बैठा हुआ हूँ, और अभी मैं आपको इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर दिखाता हूँ। ये इस गाड़ी का कॉकपिट है, ये फुल ऑटोमेटिक गाड़ी है, और देखें इसका जो इंटीरियर है कितना शानदार है। वो जितनी खूबसूरत ये गाड़ी है इसका इंटीरियर भी उतनी खूबसूरत है। 2014 मॉडल मर्सिडीज स्पोर्ट्स मॉडल, और इसके ये डैशबोर्ड पर देखें ये जो लाल रंग की जो सिलाई है, और ये सीटों के ऊपर ये जो रेड कलर आपको नज़र आ रहा है, रेड कलर, सिल्वर कलर, ब्लैक सीटें, और रेड कलर की जो सिलाई है ये इसकी खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफा करती है, और मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी है चीज़ें जो है। फुल ऑटोमेटिक गाड़ी है ये, फुल ऑप्शन गाड़ी है। ये शेख जायद ग्रैंड मस्जिद है सामने, जो कि दुनिया की चंद सबसे बड़ी और ख़ूबसूरत मस्जिद में से एक है। और शेख जायद ग्रैंड मस्जिद जो है ये अबू धाबी में उन जगहों में शुमार होती है कि जो सबसे ज़्यादा विज़िट की जाती है।
शेख जायद ग्रैंड मस्जिद आपको नजर आ रही होगी पीछे। शेख जायद ग्रैंड मस्जिद अबू धाबी में जो सबसे ज्यादा विजिट की जाती है उन जगहों में से एक है। ये मजहबी जगह तो है ही लेकिन बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी है ये। और इस वक्त हम जिस जगह से गुजर रहे हैं ये है शेख जायद ब्रिज। ये शेख जायद रोड के ऊपर है जो कि अबू धाबी की तरफ से दुबई की तरफ जाता है अबू धाबी से। बहुत खूबसूरत ब्रिज है ये शेख जायद ब्रिज। और उस साइड पे वो नजर आ रहा है जो वो भी बहुत खूबसूरत ब्रिज है। अबू धाबी क्योंकि एक जजीरे पे वाकया है इसके चारों तरफ पानी है और ये जो जगह है यहाँ पे पानी यानी समंदर ज्यादा वसी तो नहीं है, एक नहर की तरह एक दरिया की तरह है। तो ये उस जगह पे ये ब्रिज बने हुए हैं, तीन चार ब्रिज हैं ये जो अबू धाबी की मेन लैंड को अबू धाबी सिटी से मिलाते हैं। ये लेफ्ट साइड पे आपको एक बहुत अनोखी इमारत नजर आ रही होगी। इस इमारत का नाम है अलदर। इसका जो डिज़ाइन है बड़ा मुख्तलिफ है, राउंड में बना हुआ है, गुलाई में बना हुआ है और बहुत ही अनोखी और खूबसूरत इमारत है ये। ये अलदर का हेडक्वार्टर है, अलराहा माल के बिल्कुल साथ ये बनी हुई है और बहुत खूबसूरत इमारत है ये। इसका जो डिज़ाइन है वो बड़ा मुख्तलिफ है। ये आपको पीछे अलदर की इमारत नज़र आ रही होगी, बहुत अनोखी और बड़ी मुख्तलिफ इमारत है, बड़ा मुख्तलिफ डिज़ाइन है इसका। ये तो सब लोग जानते हैं कि आजकल के ज़माने में लोग जो मुख्तलिफ डिज़ाइन वाली चीज़ें उनको पसंद करते हैं, नई सनी चीज़ को पसंद करते हैं। तो इसको बनाने वालों ने भी इसको ज़रा थोड़ा हटा के बनाया ज़रा। ये राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा ये पुलों के ऊपर से इमारत नज़र आ रही होगी आपको, इतिहाद टावर्स। ये इतिहाद एयरवेज का हेडक्वार्टर है। मैं इस वक्त जिस जगह से गुजर रहा हूँ ये अबू धाबी के मज़ाफ़ाती इलाके हैं। ये आपको नज़र आ रही होगी बहुत खूबसूरत इमारत है, चार मीनारी इमारत है ये। और ये अबू धाबी के मज़ाफ़ाती इलाके हैं जिनमें शहामा, रहबार, दूसरे कुछ इलाके आते हैं। मैं वहाँ से गुजर रहा हूँ और इस वक्त सुपहर के तकरीबन 3:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ अबू धाबी से दुबई जा रहा हूँ। और दुबई जिस जगह पर मैंने जाना है वो जहाँ से मैं चला था वहाँ से तकरीबन को 150 किलोमीटर बनती है और शेख जायद रोड से ही मैं जाऊँगा। ये साइड पे ये दारफिर मॉल है, ये कारफोर। ये जो मर्सिडीज गाड़ी है ये तो गाड़ी तो बहुत शानदार है, बहुत खूबसूरत गाड़ी है। इसका खास तौर पे जो इंटीरियर है ये तो बहुत ही खूबसूरत है लेकिन इसमें जो मुझे सबसे ज्यादा चीज़ें जो पसंद आई हैं, मर्सिडीज गाड़ियां तो मैंने बहुत सारी चलाई हुई हैं, सारी की सारी मर्सिडीज गाड़ियां बहुत ही शानदार होती हैं, बहुत ही खूबसूरत होती हैं लेकिन बड़ी मजबूत होती हैं और इनकी पिक बहुत होती है, चलाने में इनको बड़ा मज़ा भी आता है। और ये जो गाड़ी है ये मर्सिडीज फैमिली जो है उसकी जो छोटी गाड़ियाँ उनमें से एक है लेकिन बड़ी पावरफुल गाड़ी है ये, छोटी की छोटी और तेज़ की तेज़। और इसमें टर्बो इंजन है इसके अंदर। और इसमें मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ जो पसंद आई है वो है इसका ये रेड कलर का सीट बेल्ट और इसकी जो सीटें हैं उनकी जो सिलाइयाँ हैं और ये डैशबोर्ड की सिलाइयाँ भी, ये सीटों की सिलाइयाँ भी वो रेड कलर की है। तो ये जो रेड कलर है इसमें ये इसकी खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफा कर देता है। ब्लैक सीटें, रेड कलर की सिलाई, रेड कलर का ये सीट बेल्ट, तो ये इसकी खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफा कर देता है। ये मुझे बहुत पसंद आया। तो वैसे तो मर्सिडीज गाड़ियाँ सारी बड़ी शानदार होती हैं, बड़ी खूबसूरत भी होती हैं, मजबूत भी होती हैं। हाँ जी, सियालकोट नारोवाल शकरगढ़ जने की तोजो चाहना मैं। हाँ, थोड़ा जा रहा जी सियालकोट शकरगढ़ नारोवाल टाइम, कंजरूर टाइम, पिंडी टाइम, बड़ा ही मठा जहा टाइम है। हाँ देखो जरा एड्डी वड्डी बस है, ओनू है छोटी जी गड्डी अगे लंघी उतो। हाँ जी, शकरगढ़ नारोवाल सियालकोट वाले जने तोजो करो जरा। हाँ, थोड़ा पिंडी टाइम जा रहा जी सियालकोट टाइम, और जा रहे हैं
क्या देखो क्या छोटी जी गड्डी है तो अगे लंघ गई है कि तुहाड़े वास्ते लंबा फिक्री है ते ऐ ओ टाइम जा रहा मठा जा कि जेडे दवाई पाई होंदी लाहौर लाहौर पिंडी पिंडी है ते राह च सवारियां वेच के कटोर जांदे ने जेडे सवारियां नूं मंजिल तक नहीं पहुंचांदे राह च ही वेच दिंदे ने ऐ ओ जा रहा टाइम हां जी बड़ा मठा जा पिंडी टाइम सी हाँ जी है दरअसल है जरा शकरगढ़ नारोवाल टाइम सी ये अबू जबी वाले का है तो इस वास्ते इन्ना मठा जहा पिंडी टाइम सी है दरअसल है जी शकरगढ़ नारोवाल टाइम जा रहा है ये अबू जबी वाले का है और इस वास्ते इन्ना मठा जहा सी कि मेरी यह छोटी जी गड्डी है वो अगे लंघ गई है तो जोड़ा पाकिस्तान चलते हैं पिंडी टाइम शकरगढ़ नारोवाल टाइम कंजरूल टाइम वो तो किसी को रला नहीं देंगे उन्होंने तो उन्हों का तो एक ही असूल हों उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा ऐसी ऐसी कट्टा मारते हैं कि कमजोर दिल जाना बह नहीं सकता बिचो तो जब बह भी जाए तो कहना भाई मैं इतने ही ला दो मैं नहीं जाना ये तो मैं आइडिया भी होंगे पाया कि पाकिस्तान ने मुस्तकबिल जो फार्मूला वन कोई आजाद लैके आना कुछ चैंपियन बनने का कोई इरादा है पाकिस्तानियों का तो पिंडी टाइम शकरगढ़ नारोवाल टाइम के ड्राइवर फार्मूला वन रेस वास्ते भेज दौ इंशाला वर्ल्ड चैंपियन बन के वापस आएंगे जिहड़े जणिआं ने सवारी की है पिंडी टाइम नारोवाल टाइम से शकरगढ़ टाइम से सियालको टाइम से वो ये गल जानते हैं कि उस रूट के उत्ते बसा इस तरह चलाते हैं कि जिस तरह फार्मूला वन की रेस के माइकल शुमाकर चला रहा है तो एक बड़ा वधिया आइडिया है कि पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड चैंपियन बनना है फार्मूला वन के साडे एरिया दसा के किसी ड्राइवर जिहड़ियां कि वेखन बड़िया पुरानियां बसा लगदियां ने खटारा जी बसा लेकिन जनाब उड़ाई जा फार्मूला एक ही उन्हों का इंज चलाते हैं जिस तरह के माइकल शुमाकर चला फार्मूला वन ट्रैक में दुबई पहुंच चुका हूं मैं और ये सामने बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल का मेट्रो स्टेशन है और ये बुर्ज खलीफा भी नजर आ रहा है बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बुलंद इमारत अब तक जो है वो ये नजर आ रही है और ये बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल का मेट्रो स्टेशन भी है सामने और ये सामने शेख जायद रोड के दोनों तरफ जो बुलंद बाला इमारतें हैं वो नजर आ रही है ये आपका शकरगढ़ नारोवाल टाइम दुबई भी पहुंच गया है हाँ जी शेख जायद रोड दुबई ये अतराफ में आपको खूबसूरत इमारतें नजर आ रही होंगी बहुत ही प्यारा मंजर है मेट्रो ट्रेन भी आपको नजर आई होगी एक ट्रेन जा रही है सामने ऊपर ब्रिज के ऊपर ट्रेन ब्रिज के ऊपर जा रही है ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है दुबई का जी
मैं दुबई पहुंच चुका हूं और एक दोस्त का इंतज़ार है बस, और उसके बाद यहां से किसी और जगह पे जाना है। तो शुक्रान, मा सलामा, अलविदा। Subscribe now for more videos.